हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू कोड रील्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एसएमएस एंड कॉल बॉम्बिंग के ऊपर। ये एक्चुअली में ये एसएमएस बॉम्बिंग है क्या, एंड आप अपने आप को कैसे इससे प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, एक्चुअली में एक पर्सन आपके नंबर पे एसएमएस बॉम्बिंग एंड कॉल बॉम्बिंग तब करता है जब उसको आपको डिस्टर्ब करना हो या तो फिर एक प्रैंक करना हो। ऐसा करने पे आपके नंबर पे कंटिन्यूसली ओटीपीज एंड एसएमएस एंड कॉल बॉम्बिंग होती है। मींस कंटिन्यूसली आपके नंबर पे ढेर सारे मैसेजेस कॉल्स रेगुलरली आते रहते हैं। एंड ऐसा वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है एंड बहुत सारे स्क्रिप्ट एपीआई अवेलेबल है इंटरनेट पे जिससे वो करता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिसके हेल्प से आप अपने SMS बॉम्बिंग एंड कॉल बॉम्बिंग को अपने फ़ोन में होने से रोक सकते हैं। एंड अगर कोई पर्सन आपके फ़ोन पे SMS एंड कॉल बॉम्बिंग करता भी है तो आपको कोई फ़र्क पता नहीं चलेगा। सो गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं अपने होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ। देन आपको अपना प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर पे आपको एक एप्लीकेशन सर्च करना है कॉल्स ब्लैकलिस्ट करके, एंड इसका डाउनलोड लिंक मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसको SMS का डिफॉल्ट एप्लीकेशन में सेट कर देना है। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रिप्लेस पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे रिप्लेस पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपका अब बाय डिफॉल्ट SMS सेंडिंग ऐप बन चुका है। अब आपको यहाँ पे ऊपर 3 डॉट्स देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे एक सेटिंग्स मिलेगा, आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। एंड आपको यहाँ पे ब्लॉकिंग पे क्लिक करना है। आप जैसे ब्लॉकिंग पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे प्राइवेट नंबर पे टिक कर देना है, अननोन नंबर्स पे टिक कर देना है। एंड SMS में जाके नन न्यूमेरिक नंबर्स पे आपको क्लिक कर देना है, एंड आपको फिर बैक आ जाना है। ये सारे ऑप्शंस इनेबल करने के बाद आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ऐप मैनेजर। आपको अपने ऐप मैनेजर में जाना है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको फिर यहाँ पे अपना कॉल ब्लैकलिस्ट वाला जो एप्लीकेशन है उसको आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आपको ये मिल जाएगा, आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे सारे नोटिफिकेशंस को बंद कर देना है। सो गाइस, जब आप सारे नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दोगे तो इस ऐप से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो अब आपके फ़ोन में अब शो नहीं करेंगे। इस ऐप से जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, जैसे ब्लॉकिंग के हो गए, स्पैम के हो गए, एंड SMS एंड कॉल्स के हो गए, वो अब सारे नोटिफिकेशंस शो नहीं करेंगे। सो गाइस, दिस इज द वे हाउ यू कैन स्टॉप SMS एंड कॉल बॉम्बिंग इन योर डिवाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर बताना। इससे रिलेटेड कोई भी आपको एरर मिलता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। एंड इसी तरह के और ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बी अवेयर, बी सेफ एंड बाय बाय।